हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं यूको बैंक के एटीएम का पिन हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यूको बैंक के एटीएम में जाना होता है और यूको बैंक के एटीएम में कार्ड इंसर्ट करना होता है। अगर आपने कार्ड पोस्ट के थ्रू रिसीव किया है तो आपके पास इस तरह से दो ऑप्शन आएंगे, रुपये का और रुपये इंटरनेशनल का। अपने कार्ड पर देख लें कौन सा कार्ड आपका है, वो सेलेक्ट कर लें। अगर आपने ब्रांच से रिसीव किया है तो डायरेक्टली यहाँ पर ग्रीन पिन का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे हमें ग्रीन पिन सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे जाना होता है और फिर हमें यूको बैंक का यहाँ पे 14 अंकों का अकाउंट नंबर एंटर करना होता है। उसको काइंडली मैच कर लें और उसके बाद यहाँ पे इफ़ करेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ करेक्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होता है और इस तरह से हमारा फर्स्ट स्टेप ग्रीन पिन का कंप्लीट हो जाता है और हमारे मोबाइल पे 6 अंकों का ओटीपी हमें रिसीव होता है, प्राप्त होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 अंकों का ओटीपी हमें रिसीव हुआ है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में फिर से हमें कार्ड इंसर्ट करना होता है मशीन में और फिर से हमें ग्रीन पिन के ऑप्शन पे जाना होता है। ग्रीन पिन यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होता है और फिर से हमें 14 अंकों का अकाउंट नंबर यहाँ पे देना होता है और इफ़ करेक्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। और हमारे मोबाइल नंबर पे रिसीव 6 अंकों का ओटीपी यहाँ पे हमें एंटर करना होता है और एंटर करने के बाद इफ़ करेक्ट के ऑप्शन को यहाँ पे फिर से हमें सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे हमें प्लीज़ इंटर योर डिज़ायर्ड न्यू पिन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हमें 4 अंकों का पिन हमें यहाँ पे बनाने के लिए मिलता है। आप अपने मन से 4 अंकों का पिन बनाएं, वही पिन को फिर दोबारा एंटर करके उसे कंफर्म कर लें। और इस तरह से आप देख सकते हैं यूको बैंक का पिन हम कितना इजीली यहाँ पे हम बना सकते हैं। यहाँ पे जनरेट हो चुका है हमारा पिन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।